हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं नहा चुकी हूँ और आज हम बना रहे हैं ब्रेड पकौड़ा। खाने का मन हो रहा है इसलिए, और आज मैंने बहुत ही प्यारा सा ड्रेस पहन किया है, स्कर्ट और टॉप है, मैं बाद में दिखाऊंगी। तो चलते हैं, पहले अपना ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं। कढ़ाई चढ़ चुकी है, बेसन घोलते हैं, बेसन घोल के तैयार करते हैं, देन आप लोगों से मिलेंगे। और मैंने कल का ब्लॉग अभी एडिट नहीं किया है, एडिट करके मैं डालूंगी तो आप लोग देख लेना। सो गाइस, यहाँ हम बना रहे हैं ब्रेड पकौड़े। ब्रेड को छोटा छोटा पीस करके बना रहे हैं, खाने में भी सही रहता है। और ये फिल करके रखा हुआ है, और ये रहा हमारा बेसन का घोल। तो बना आज डोसा खाने का मन था बाहर का, तो हमने सोचा घर पर ही बनाते हैं और मौसम भी अच्छा है इसलिए। गाइस, ये गर्मा गर्म बन रहे हैं ब्रेड पकौड़े, थोड़े से निकाले हैं और थोड़े बन रहे हैं, थोड़ा बेसन कम पड़ गया तो फिर से हम घोल रहे हैं। घर के बनी होममेड चीज़ों की बात ही अलग होती है, बाहर का तो हमेशा ही खाते हैं, कभी कभी घर पे भी बना करके खाना चाहिए। तो बन गए हमारे ब्रेड पकौड़ा और मैंने अभी स्किन केयर नहीं किया, तो अभी हम खाते हैं और चाय पीते हैं। और मैंने हेयर वॉश किए हैं तो अभी बाल गीले हैं, चलते ही खाते हैं। तो मैं अभी बना मैं करूँ ब्रेकफास्ट और कपड़े पीछे फोल्ड किए रखे हैं। बज रहा है 9, अदर को छोड़ करके आई, बस पे बिठा के आई, उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठ गई तो फिर काम लेट हो गया। थर्सडे तो कपड़े वगैरह धुले नहीं थे, जो थोड़े बहुत थे वो मैंने धुल लिए हैं। तो अभी मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में है आज मैंने दाल की कचौड़ी बनाई है और चाय। तो ये भी अपना ड्यूटी जा चुके हैं, अतर भी स्कूल जा चुके हैं और मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। सारे काम मेरे हो गए हैं तो चलते हैं ब्रेकफास्ट करते और देखते हैं कुछ। गुड आफ्टरनून गाइस, तो अभी सुबह दोपहर की सॉरी बज रहे हैं, कितने 2 बजने वाले हैं और मैं लंच रेडी कर रही हूँ। और ये मेरे जाए जॉर्ज लगा वहाँ पर, ये कबूतर आके बैठता है और गुटर गुँ करता है, बोलते बहुत मतलब अच्छा नहीं होता है कबूतर को, वैसे भी घोंसला बनाते तो अच्छा नहीं होता। और पता नहीं कितनी बार ये रंग लगा चुका, हटा देते हैं बट फिर भी हमारे यहाँ आगे से बैठता है। मतलब मैं तंग आ गई हूँ उस कबूतर से, देखती हूँ आ जाएंगे तो फिर से बोलती हूँ, आकर के ही बैठता है। एक जॉर्ज ला देती हूँ तो बोलता नहीं है, नहीं फिर ऐसे कंटिन्यूसली बोलता रहता है, जो कि मुझे अभी से नहीं पहले से मुझे कबूतर की आवाज़ से बहुत इरिटेशन होती है। और जो कोई दांत चबाता, मेरे हस्बैंड की बहुत आदत, वो सोते हुए उनको दांत चबाने की आदत है, इसलिए देखते हैं अगर जो आज उनके पास टाइम रहेगा तो मैं बोलूँगी कि इसका कुछ तो करो भाई। मतलब जैसे एक जॉर्ज बंद करो, वो आके गुटर गुँ शुरू कर देता है और मुझे बहुत इरिटेशन होती है इसकी आवाज़ से, इसलिए। तो चलिए, दाल बन गई, दाल राइस बनाए हैं और कुछ नहीं। मैं सो गई थी उस चक्कर में, लेट हो गया उठने में, लेट क्या 1:45 उठी हूँ, जल्दी काम हो गया था। तो अथर आने वाले हैं, उनको लेने जाना है, उनको लेने। मैं आ गई हूँ अथर को लेकर के, और आज एक भाभी मिली, उन्होंने बोला आप स्ट्रेट कहाँ करवाया, मैंने कहा मैंने स्ट्रेट नहीं करवाया। और सच में अभी मैं उस दिन फ्राइडे को पार्टी में गई थी तो वहाँ भी एक लोगों ने बोला कि आपने स्ट्रेटनिंग की है खुद से, हमने कहा नहीं मेरा नेचुरली है, तो मेरे बाल नेचुरली स्ट्रेट है, मैंने स्ट्रेटनिंग नहीं करवाई है ना हेयर स्पा। आई थिंक मैंने एक बार करवाया है पार्लर में, उसके अलावा मैंने आज तक अपने बालों में बाहर से कुछ नहीं करवाया हेयर कटिंग के अलावा। कलर भी मैंने नहीं करवाया, मैं सोचते रह जाती हूँ, मैंने नहीं करवाया है, तो मेरा नेचुरल स्ट्रेट है और मुझे कर्ली हेयर पसंद है। बट कोई नहीं, आजकल स्ट्रेट का ही ट्रेंड चल रहा है तो लोग स्ट्रेटनिंग ही करवाते हैं। और अथर्व आ गए हैं स्कूल से तो उनके अभी कपड़े वगैरह आ जाओ चेंज करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज हो गया नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ तो 4-4 दिन चलता रहता है। तो मैं जा रही हूँ थोड़ा सा हेयर ऑयलिंग करने के लिए, आज है फ्राइडे और मशीन भी लगा रखी, अभी हो गया है 7:25 हुआ है। तो ये भी जा चुके हैं अथर भी जो है, उनको मैं बस पर बिठा के आ गई हूँ, स्कूल पहुँच गए होंगे तो मैं आ गई हूँ। हेयर ऑयलिंग करूँगी, उसके बाद थोड़े से बर्तन वगैरह हैं, सुबह ब्रेकफास्ट बनाया तो उसी के बर्तन मैं साफ़ करूँगी और बस नहाऊँगी धोऊँगी, हेयर ऑयलिंग कर लेते हैं क्योंकि ज़रूरी है। और आज पूरी रात बारिश हुई है तो वेदर बहुत ठंडा हो के रखा है, अतर को जैकेट वगैरह डाल के दिया है। पहले अपने बालों में मैं अच्छे से थोड़ा कॉम कर लेती हूँ क्योंकि कल मैंने कॉम नहीं किया था, उलझे हुए हैं बाल, कॉम करना ज़रूरी है, उसके बाद हेयर ऑयलिंग करते हैं। पहले कॉम ले करके आते हैं, कॉम अब मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी हेयर ऑयलिंग। मैंने वेडनेसडे को हेयर वॉश किए थे, चलते हैं कर लेते हैं थोड़ा सा हेयर ऑयलिंग। वेदर बहुत ठंडा होके रखा है
और आज रात में मच्छर बहुत लग रहे थे, पता नहीं क्यों। हो गई मेरी हेयर ऑयलिंग, अभी मैं जा रही हूँ, मशीन ड्राई हो रही है, कपड़े ड्राई हो रहे हैं, उसके बाद मैं कपड़े डाल के बर्तन करूँगी, फिर पोछा करूँगी, उसके बाद हेयर वॉश करूँगी। तब तक उतनी देर में बालों के लिए ऑयल सफिशियंट है। तो मैं आ गई हूँ अभी किचन में और 9:30 बज गया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, वॉशरूम वगैरह मेरे को क्लीन करना था। हेयर वॉश तो नहीं, मैं मुझे करना था, अभी परसों ही किया था वेडनेसडे को, बट मुझे ही करना पड़ा क्योंकि वॉशरूम गंदा था और इनका अदर का यूनिफॉर्म का शर्ट था, सॉक्स वगैरह थे, तो वो हाथ से धुले हैं। और बन रही है मेरी इधर चाय, चाय पीते हैं, और स्किन केयर मैंने कर लिया है। और 9:30 बज गया, लेट हो गया थोड़ा सा, थोड़ी देर में बैठ भी गई थी, फ़ोन चलाने लगी थी, फ़ोन चला के उठी, बर्तन वर्तन धुले, पोछा लगाए, ये सारे काम है, तो चलते हैं चाय लेके, नाश्ता करते हैं सुबह का। मैं अपने लिए यहाँ पर बना रही हूँ सैंडविच, क्योंकि आज मैंने भरवा शिमला मिर्च बनाए थे तो उसका पेस्ट बच गया था आलू का, तो मैंने सोचा अपने लिए शिमला मिर्च बना लेती हूँ। और ये रही मेरी चाय, चाय लेते हैं। और काम बहुत सारे हो जाते हैं क्योंकि आजकल बारिश लगी है, तो जर्म्स वगैरह बहुत ज़्यादा रहते, तो पूरे जो मेरे जो स्क्रब वगैरह हैं बर्तन धुलने वाले, अच्छे से पहले नॉर्मल जो है नॉर्मल साफ पानी से धुलती हूँ, फिर उसके बाद साबुन या फिर वॉशिंग पाउडर से धुलती हूँ, उसके बाद फिर मैं गर्म पानी से धुलती हूँ, जो मैं जिसमें अपना गैस वगैरह क्लीन करती हूँ, जिस मतलब कि वो स्पंज है उसमें गैस और ये सब चीज़ें क्लीन करती हूँ सेल्फ वगैरह, उसको अच्छे से मैं गर्म पानी में धुलती हूँ, क्योंकि आजकल थोड़ा सा मौसम वैसा हो रहा है, इसलिए आटा वगैरह गिर जाता तो इसलिए सही रहता है। आराम से जो है पहले अच्छे से वॉशिंग पाउडर से धुल लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है गर्म पानी डाल देती हूँ, चाहे मेरा स्टील घुल हो या फिर स्क्रब हो बर्तन धुलने वाला नॉर्मल, या फिर मेरे किचन के जो कपड़े हैं उनमें गर्म पानी डाल देते हैं, तो सही हो जाता है जो है। तो चलिए बन गया मेरा सैंडविच और चाय छानते हैं, ले चलते हैं। तो ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, और हॉल का फैन ऑन करके रखा है क्योंकि कपड़े डले हैं इसलिए। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज है गुरु पूर्णिमा और आज मैं बना रही हूँ दाल के पराठे। तो आज अब प्रिपरेशन हो गया, खीर बनाऊंगी और आलू गोभी की सब्जी, तो देखते हैं। आज प्रिपरेशन हो गया, बस बनाना बाकी है, तो चलते हैं फटाफट से अपने काम में लगते हैं, क्योंकि 11:30 बज गया है और थोड़ा सा लेट हो गया। और मैंने बन गई मेरी खीर और इधर बना रही हूँ मैं सब्जी, मेरा लंच हो गया रेडी। ये है आलू गोभी की सब्जी, धनिया पत्ता नहीं है क्योंकि 2-3 दिन से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। और ये रहे आलू के पराठे, और ये रही खीर, और इसमें है राइस। मैंने भोग लगाया था तो भोग का ये उठा लिया है, ये रखा है यहाँ पर। चलिए हम लोग भी लंच करते हैं। कर रही हूँ क्योंकि गीले हो गए हैं, काफी टाइम हो गया है। 11:00 मैंने नहाया था और 1:30 बज गए, मेरे बाल अभी सूखे नहीं हैं और मेरा सर दर्द होने लगता है, तो मैंने सोचा अपने बाल ड्राई कर लेते। और मैं आज बहुत टाइम बाद अपना ड्रायर यूज कर रही हूँ, मुझे लगता हो गया है 1.5-2 साल हो गया है। उस दिन उनका फ़ोन पानी में गिर गया था, तब मैंने अपना ड्रायर से सुखाया था, उसके बाद मैं आज बाल बहुत टाइम बाद अपने सुखाने जा रही हूँ, पता नहीं बट मुझे बहुत टाइम हो गया है मैंने अपने बाल नहीं ड्राई किए। और हम लोगों का लंच हो गया है, सोच रहे हैं मूवी जाने का। मैंने सोचा फटाफट से बाल ड्राई कर लेते क्योंकि 1:30 बज गया है, 2:45 का सो है इसलिए। और आज मैंने हेयर वॉश किया था, कल किचन वगैरह क्लीन किया था, किचन में बास्केट वगैरह जो वेजिटेबल रखते सारा कुछ क्लीन किया था इसलिए। और आज मैंने काफ़ी कुछ बनाया, मेरा सर दर्द हो रहा है, इतना ठंडा पानी कंटिन्यूसली, कल तो पूरा दिन बारिश हुई, पूरी रात हुई, आज भी पूरी रात हुई, दोपहर में थोड़ा हुई, उसके बाद बंद हो गई। और आज मैंने ये कुर्ता डाला हुआ है, सो गाइज हम रेडी होकर के जा रहे हैं मूवी देखने, और मूवी लगी है कल की, तो मूवी देखने जा रहे हैं। और मैंने जीन्स और कुर्ती वेयर किया और वेदर बहुत ठंडा हो रखा है। और मैंने आज कुछ ऐसे सिंगल पोनी बनाई है, और ये वाले रबड़ बैंड क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, तो वही हम लोग, तो हम मूवी देख करके वापस जा रहे हैं। मूवी कल की थी
और बारिश बहुत तेज़ी से होने लगी थी, जो है बहुत तेज़ी जैसे निकले बारिश बहुत तेज़ी होने लगी। सो गाइज, अभी हम आ गए मूवी देख करके। और हम मूवी कौन सी गए थे सर, क्या नाम था? कल की मूवी लगी थी, कल की आई थी शायद 27 जून को आई थी, 8 को मुझे कंफर्म नहीं पता, बट हमारे यहाँ आज अब लगी है तो हम लोग आज गए थे। और बारिश बहुत तेज़ी हो रही है, बहुत तेज़, मतलब बहुत तेज़। और आज मैंने ऐसे पोनी बनाया था, अच्छा लगता है ऐसे सिंपल सा पोनी। तो आज गुरु पूर्णिमा है, तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया। बहुत ज़्यादा नहीं शूट किया, दो तीन दिन का मिक्स है, तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लेना, कपड़े रखे मुझे। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आए, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आज मुझे फोन ही बहुत अच्छी लगी, तब तक के लिए बाय बाय।